हजारों की संख्या में गांवों से, ढाणी से, शहरों से और जोधपुर और बाहरी जिलों से भी जो मन में दुख हुआ इसलिए आए हैं कि भाई तुरंत गिरफ्तार हो, और पुलिस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है गिरफ्तार करना। इस घटना की हम घोर निंदा करते हैं कि ये घटना मामूली नहीं, दिन दहाड़े बेकसूर एक मजदूर की, गरीब परिवार के एक आदमी विष्णाराम की सरेआम सक्कू घोप कर हत्या करना ये मामूली बात नहीं है। और हम सब भी बैठे हैं 36 कौम के पूरे बालोतरा के, और जो मुखिया पदाधिकारी, हमने एक ही मांग की कि उनको तुरंत गिरफ्तार करें। और गिरफ्तार पुलिस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अभी 24 घंटों बाद में भी एसपी और जिला कलेक्टर घटना स्थल पर आके पीड़ित परिवार को बात करने के लिए, उनके किस बात की शर्म आ रही है, हमें दुख होता है कि कम से कम दर्द और दुख की घड़ी में जिला प्रशासन या जिला कलेक्टर बैठते हैं, एसपी बैठते हैं, यहाँ आने में क्या जोर लग रहा है, और यहाँ आना ही नहीं, गिरफ्तार होना ही नहीं। हमने कोई गलत मांग नहीं की, वही लोग मौजूद थे जो 1.5 करोड़ और नौकरियां मांगने वाले भगवान जाने कहाँ हैं। हमने तो एक बिना भेदभाव पीड़ित परिवार को न्याय मिले, उनको तुरंत गिरफ्तार हो, और जो उदयपुर की घटना हुई वही साकू गोपकर दिन दहाड़े हुई, उनको जो सरकार ने मदद की है वही मदद हमें करे। हमारी सिंपल सी मांग है, और पहली मांग है कि हमारे उन अपराधी को गिरफ्तार करें। हमें डर है कि कोई घटना और घटित हो सकती है, कि उनको डर है कि जेल तो जाना है, और खुलेआम इस तरह हथियार लेके घूमना, इससे जाहिर होता है कि पुलिस का डर नाम की कोई चीज नहीं है। तो पुलिस के अधिकारियों से आपने कुछ फीडबैक लिया है घटना के बाद की, क्या कुछ? पुलिस खुद का काम है, हमारा काम फीडबैक लेने का नहीं। हम तो निवेदन करने वाले, मांग करने वाले, हम फीडबैक लेने का अधिकार नहीं, हम तो मांग कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा, हम सभी बैठे हैं हजारों की संख्या में गांवों से, ढाणी से, शहरों से और जोधपुर और बाहरी जिलों से भी जो मन में दुख हुआ इसलिए आए हैं कि भाई तुरंत गिरफ्तार हो, और पुलिस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है गिरफ्तार करना। पुलिस शायद तो हाथों हाथ गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन 24 घंटे बाद में भी गिरफ्तार नहीं होना। और हम तो मांग करते हैं कि हमने गलत मांग नहीं की है कि किसी के यहाँ नाटक करके रोना, 1.5 करोड़ मांगना, नौकरी। हम तो एक मामूली हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, गरीब परिवार को न्याय मिले, उनको तुरंत गिरफ्तार हो, और उदयपुर वाला पैकेज सरकार इस परिवार को। आरोपी हिस्ट्री शीटर है, जैसा रंगदारी के और भी केस उनके ऊपर दर्ज है, तो क्या पुलिस की लापरवाही मानते हैं अभी? आप खुद ही देख रहे हैं कि अगर जमानत और शर्तों के आधार पर सूटने के बाद हथियार लेके अगर कोई अपराधी घूमता है, तो इनसे ज़्यादा लापरवाही पुलिस की क्या हो सकती है। और घटना कल 2 बजे घटित हुई, तो पुलिस साथ ही तो हाथों हाथ गिरफ्तार कर सकती है।